12 इस हिसाब से आइडेंटिटी कितनी का इसकी एंट्री करते हैं और इसके टेबल का नाम है मास्टर असेसमेंट। ये चीज है मतलब सब्जेक्ट वाइज होता है मास्टर असेसमेंट। ये सारे जो प्रोग्राम हो रहा है इस कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स को एंड स्ट्रीम को वो भी आ गया है तो कहते हैं मास्टर डिग्री स्ट्रीम में जाते हैं कोर्स को स्ट्रीम। अच्छा क्रेडिट्स हम भी यूज करें जो अपने क्रेडिट्स करते हैं। अच्छा ये ग्रेड बेसिकली ग्रेडिंग स्कीम से जो हमने ग्रेडिंग स्कीम लिखा है उसके थ्रू हम टोटल काउंट कर रहे हैं। ये आपको 3.5 को किसी का क्रेडिट हो रही है ये हम यूज नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है कि जो ग्रेड कोड आ रहा है हमारा इसको यूज कर रहे हैं। ये अगला है हमारा इंटेक के बाद हमारा ग्रेडिंग स्कीम मोड को यूज कर दैट ग्रेड कोड कैन बी फॉर दिस ट्रेंड्स ये ग्रेड हम यूज कर रहे हैं। फिर ये एंट्री की मीटिंग से क्योंकि पहले से ही जो ग्रेडिंग स्कीम वाला सिस्टम है बाद में बनाना चाहिए जितना आईडी है कि सब चीजें यहां से पहले यूज की थी यूज किया है। लेकिन ये बता रहे हैं कि इसमें से ग्रेड कोड का यूज कर रहे हैं इस टेबल के अंदर असेसमेंट कोड भी इतना यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन यूज कर रहे हैं कैलकुलेट ग्रेड्स और सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट कोड बेसिकली फ्रॉम ग्रेड मास्टर ठीक है दिस वी कम फ्रॉम ग्रेड ग्रेड मास्टर 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 से इसका पूरा ईआर डायग्राम बना के आपको मैं उसमें लगा दिया इंटेक बेसिकली क्या होता है हमारा मास्टर असेसमेंट प्रोग्राम कोड प्रोग्राम कोड सर भी इसके बाद हमारा आता है इंटेक।
बेसिकली ये साल में एक ही बार यूज होगा जब नए बच्चे आ रहे हैं। और अब यहाँ पे कनेक्शन जैसे हमारी फोटो होती है, यहाँ पे हर कॉलेज में जो फोटो होती है वो रहती है पीटी, सबसे पहले हमारा कॉलेज कोड होता है, फिर ईयर आता है, मान लो अभी 11 है तो ईयर आता है, इंडेक्स सेंटर।